बिग बॉस 16 की चैटर बॉक्स रही इस कंटेस्टेंट ने खुद का ही बनाया मजाक, जिसे देखने के बाद फैंस के दिखे मिक्स्ड रिएक्शन। आधे लोग जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं, आधे लोग जो हंस भी रहे हैं, आधे लोग उनके इंग्लिश को लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आखिर कौन है वो कंटेस्टेंट और किसकी कहानी बताना चाहती हूँ मैं, आइए देखते हैं इसकी पूरी खबर। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मैं आपको बता दूं, बिग बॉस 16 की चार्टर बॉक्स रही कंटेस्टेंट अर्चना गौतम हाल ही में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और थोड़ा चिल आउट होने के लिए दुबई गई है। दुबई में काफी खूब मस्तियां करने के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र करते हुए पोस्ट भी किया है। इस दौरान कई लोगों ने इनको ये भी करते हुए देखा है कि वो बीच में जाके भी इंजॉय कर रही है, वो होटल्स में भी इंजॉय कर रही है। इसके साथ साथ ना केवल सिर्फ बुर्ज खलीफा और बल्कि बहुत अच्छे अच्छे राइड्स और बहुत अच्छे अच्छे बीचेस पे जाके भी फोटो वगैरह क्लिक करवाई है और इस चीज का जिक्र उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे किया है। हाल ही में एक इवेंट में, दुबई जाने से पहले एक इवेंट में उन्हें एक अवार्ड्स के लिए भी सम्मानित किया गया है। इनफैक्ट दुबई में भी उनको एक अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। कई फैंस को पहले ये लग रहा था कि वो अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए वहां गई है, लेकिन जब सच्चाई सामने आया, सच्चाई ये था कि अपने वीडियो एक आप कह सकते हैं अवार्ड के लिए उस दुबई में वो गई है। लेकिन वो कहते हैं ना, अब जब आए ही हैं तो मजा करके ही जाते, तो मजा करने के चक्कर में भी अर्चना गौतम अभी फिलहाल वही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज अर्चना गौतम के बारे में बता दूं कि अर्चना गौतम ने रिसेंटली एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब उनको ये पूछा गया कि आप अभी नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर नेक्स्ट किस चीज के लिए काम कर रहे हो, तभी उन्होंने ये चीज कहा कि फिलहाल मैं किसी चीज पे काम नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं डेली सोप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम डेली सोप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी एक ही कैरेक्टर में बिजी हो जाते हैं, और मुझे कोई एक ही कैरेक्टर में बंध के नहीं रहना है। मुझे मेरे टैलेंट को फोरकास्ट करना है, मुझे मेरे टैलेंट को निखार के दिखाना है, जिस वजह से मैं अभी रुकी हुई हूँ। मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना चाहती हूँ और कुछ एक्साइटिंग सा इंटरेस्टिंग सा आप सबके लिए लेकर आऊंगी, जिसे देखने के बाद आप सब बेहद खुश होंगे। ये स्टेटमेंट अर्चना गौतम की सुनने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे, काफी खुश थे। ये भी सुनने को मिला था कि अर्चना गौतम अपने न्यू म्यूजिक वीडियो के साथ जल्दी ही लौटने वाली है। अब इंतजार बस इस बात का है कि अर्चना गौतम खुद इस बात का जिक्र कब अपने सोशल मीडिया पे करती है, और एक बार इस बात का जिक्र हो जाए फिर तो फैंस लोग उस चीज का इंतजार करेंगे कि कब वो चीज रिलीज हो। फिलहाल अर्चना गौतम ने एक और चीज, एक रील के जरिए से हमें इस चीज के बारे में पता चला। मीडिया पार्टनर्स में से एक जन ने एक रील के जरिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है कि अर्चना गौतम दुबई के एक हबीबी के साथ बातें कर रही है, जिनका एक खुद का एक आप कह सकते शो है, एक चैनल है, चाय विद अहमद। और चाय विद अहमद के शो में अर्चना गौतम पहुंची है, जहां पे उन्होंने एक रील के जरिए से दिखाया कि कैसे वो खुद ही अपनी इंग्लिश का मजाक बना रही है। जी हाँ, उन्होंने एक फनी से स्टेटमेंट में कहा कि मार मार के मोरनी बना दूंगी। तो उसमें वो चैट विद अहमद, चाय विद अहमद में अहमद उनसे पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स, तभी वो इंग्लिश में बोलती हैं कि आई विल बीटिंग यू, बीटिंग बीटिंग देन यू विल बिकम पीकॉक। सो ये बात सुनने के बाद फैंस लोग, आधे से ज्यादा लोग उनको हंस के ये रिएक्ट कर रहे कि अर्चना गौतम कंप्लीट पैकेज एंटरटेनर की, तो आधे लोग ये कह रहे कि एक्टर होके भी इनको इंग्लिश नहीं आता। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को इंग्लिश आना जरूरी है, वो खुद को इम्प्रूव करे, लेकिन एक बात है कि वो किसी को ये बताते हुए शर्माती नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आता। जो हमारी कमजोरी है वो लोगों को दिखानी जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोगों को समझेगा नहीं, और फिर जब उनको समझेगा तो उस चीज का ज्यादा मजाक बनाएंगे। तो इससे अच्छा कि उन्होंने खुद से ये बात कहती, जिसके बात से फैंस लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रोलर्स का काम है करना, वो तो करते रहेंगे, और जितने भी फैंस हैं अर्चना गौतम के, आप प्लीज उनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।